एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में अब सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा फैसला नगर निगम द्वारा लिया गया है। अब नगर निगम ऐसे लोगों के चालान काटेगा जो गंदगी फैलाने के जिम्मेदार है। आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बावजूद कपड़ा मार्केट में गंदगी के ढेर लगे रहते थे, जिसको देखते हुए अब सख्ती भरे आदेश जारी किए गए हैं। अम्बाला को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम भरपूर प्रयास कर रहा है। सड़कों पर कचरा न फैले इसलिए लोगों के घरों से भी कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जिसका कारण दुकानदारों का डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वालों को कचरा न देना है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह ग्राहकी के समय दुकानदार दुकान का कूड़ा कचरा कूड़े वालों को नहीं दे पाते हैं और रात के समय आसपास की जगहों पर कचरा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कचरे के ढेर लग जाते हैं। वहीं अब नगर निगम ने इस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए नगर निगम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि निगम की हाउस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि कपड़ा मार्केट एशिया एरिया में जो भी दुकानदार कूड़ा फैलाएगा उनके चालान किए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर जारी कर दी है और अब जल्द ही ये चालान का कार्य भी शुरू होगा। जो हमारी जो अभी मीटिंग हुई थी 3 तारीख को, उसके अंदर ये फैसला किया गया था कि जो हमारी कपड़ा मार्केट है उसमें जो दुकानदार हैं वो मतलब जो है वो प्रॉपर डस्टबिन में डालते हैं गंदगी और वो इधर उधर बिखेर देते हैं, तो उसके लिए CSI को अभी मौखिक तौर से गया और अभी लिखित में उसको सोमवार को दिया जाएगा कि भाई इनके चालान किया जाए जो भी दुकान इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं कपड़ा मार्केट के। चालान का ये है कि 500 रुपये से शुरू में तो हम मतलब कि उनको चेतावनी ही देंगे एक दो दिन, उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम 500 रुपये से करना चला। एक बार जैसे हाउस मीटिंग में था और जगह क्या है कि जो हम डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं तो सुबह हम उठा लेते हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं उसमें ये रात को जैसे गंदगी फैला देते हैं। अगर दुकानदार एक ही जगह से गंदगी को रख दें तो डोर टू डोर वाला उसको सुबह उठा सकता है, लेकिन ये गंदगी फैला रहे हैं तो इसलिए इनके चालान के लिए कहा हाउस की।